अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज अपने लाहौर में जो लोग हैं यहाँ पर मुकीम, उन्होंने लाहौर में नाश्ते तो काफ़ी जगह पर किए होंगे, खाना काफ़ी जगह से खाया होगा, लेकिन आज जो मैं आपको जिस जगह पे मैं लेके जाना चाह रहा हूँ, बेसिकली इनका जो नाश्ता है नान चने, वो पूरे लाहौर में बहुत ज़्यादा फेमस है और लोग काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर आके जो है इसको टेस्ट करते हैं। आप भी आपसे भी मैं है कि आप भी यहाँ पर आएँ, आके इसको एक दफ़ा लाजमी टेस्ट करें और उसके बाद अपने कमेंट्स वगैरह जो हैं इस वीडियो के एंड में मुझे वो आप लाजमी दीजिएगा। मेरी वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। बेसिकली ये जिला भट्ट साहब हैं, एक बड़े फेमस नान चने वाले, आमिर रोड शादबाग में, और पिछले कोई 50 साल से ये इसी जगह पर ये नाश्ता लगा रहे हैं। तो आप ज़रूर आएँ, आके टेस्ट करें, होपफुली आपको जो ना इनका जो टेस्ट वो अच्छा लगेगा। और अपने जो कमेंट्स हैं वो आप ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो में कि आपको कैसा लगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। बकाया सारी जो है वो डिटेल्स हैं वो आपको ये जीरा भट्ट साहब के जो जो ऑनर हैं इसके, वो खुद आपसे शेयर करेंगे, ठीक है? तो चलें फिर आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। साहिब एजेज का फुल बनाते सुबह तुम माशाल्लाह? अच्छा है, अच्छा संडे वाले दिन दो होते हैं, आम दिनों में एक एक देश का बनाते हैं। तो टोटल कितने बनते हैं, कितना कितना होता है ये? संडे वाले दिन होते हैं 203 बोरी होती है, आम के दिन तो 100 बोरी होती है। अच्छा 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 100 किलो की बोरी होती है। माशाल्लाह। अच्छा आप ये जुबान है इसके। अच्छा जिला बटाव है। अच्छा 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 असी थोड़ा ना असी थोड़ा नाप पंजाब साल पुरानी दुकान है। है ना थोड़ा अपना नेट से देखा सी नेट से, तो उधरों फिर देख के हूँ असि स्पेशल है। अच्छा अच्छा सही सही। अच्छा अच्छा इनका सेटिंग का भी अरेंजमेंट बहुत अच्छा है बना हुआ यहाँ पर। तो चने काफ़ी टेस्टी हैं इन लोगों के, पार्किंग वगैरह भी है यहाँ पर सारा कुछ। मछली
शोरबा का वहां चले जा रहे थे अच्छा। लो जी भट्ट साहब बड़ी मेहरबानी जनाब, अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़। ले जनाब बहुत मज़ा आया आज नाश्ता करके यहाँ पर जीरे भट्ट साहब के चने खा के, तो ये कि टेस्ट बहुत अच्छा है इनका। और आप सब से जो है, जो भी ये लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप सब जो है वो ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको टेस्ट जो है वो पसंद आएगा। इनका टेस्ट भी अच्छा है इनका, और अखलाक सबसे बड़ी बात, इनका अखलाक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने हमें सर्व किया है। ये देखें सामने, ये जी थोड़ा सा अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये सामने इनकी आपको जो है ना वीडियो नज़र आ रही है वो सामने, ठीक है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जनाब, अल्लाह हाफिज़ जी। अच्छा, इस वक्त हम जो है ना आमिर रोड के ऊपर हैं इस वक्त हम, तो नाश्ता तो हमने किया, बहुत मज़ा आया। आप सब आएँ यहाँ पर आके ट्राई करें चने, इनके बहुत अच्छे टेस्ट है, डिफरेंट वैरायटी है। वो मैं आपको जो है अभी थोड़ी देर में उसकी डिटेल भी मैं आपको शेयर करता हूँ अभी। बहुत अच्छा इनका टेस्ट है। और बस अभी यहाँ से जो है वो नाश्ता करके, तो हम जो है ना अब चाय वगैरह पीने का कोई प्रोग्राम है हमारा, चाय पीते हैं जाके। और आप सब दोस्तों से भी मेरी जो है ना रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और स्पेशली जो मेरे ओवरसीज़ जो दोस्त हैं, अगर वो किसी किस्म की मतलब चाह रहे हैं कि वो कोई स्पेशल जगह को आप चाह रहे हैं उसकी वीडियो बनाऊं, या उसके जो है पसंदीदा नाश्ते की जगह, तो वो आप मुझे सेंड करें। मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट टाइम वहां पर जाके आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर वहां पर जाऊं, वीडियो बनाऊं और आपसे जो है ना वो शेयर करूँ। जैसे आपको पता है लाहौर में डिफरेंट जो है वो खाने पीने के लिहाज से पूरी दुनिया में फेमस है काफ़ी ज़्यादा। इस वक्त हम जो है वो शादबाग में एंटर हो रहे हैं, इसके बाद मिस्री शाह आएगा, और मिस्री शाह में ही आपको लोगों को पता होगा कि जो है नवाज शरीफ की जो मिसेज हैं कुलसूम नवाज, उनका भी अबाई घर यहीं पर है। वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में उसकी भी जो है वो करवाता हूँ, आपको विज़िट करवाता हूँ, उसका भी वीडियो बनाता हूँ। बस थोड़ी देर में हम वहीं पर पहुँच रहे हैं। अच्छा जी, ये इस वक्त जो है हम मिस्री शाह पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो बस ये मैं वीडियो वाइंड अप कर रहा हूँ, जस्ट आपको जो है ना बताना चाह रहा था कि यहाँ पर जो है ना वो कुलसूम नवाज जो नवाज शरीफ की जो अहलियाँ थी उनका अबाई घर यहीं पर है, और साथ ही उनका स्कूल भी यहीं पर है जहाँ पर उन्होंने अपनी इब्तदाई तलीम हासिल की। वो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही होगी आपको जी, ये बिल्डिंग है, ये उनका स्कूल है, और ये घर है जो ये थोड़ा सा गाड़ी थोड़ी तेज़ थी, आप शायद देखा नहीं, लेकिन ये जो है ना उनका स्कूल है और ये उनका घर है सामने। यहाँ पर उन्होंने सारी अपनी एजुकेशन हासिल की है।